तो इस टाइम हम लोग हैं BLW कैंपस में, जिसका मतलब कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में। और हम लोग यहाँ से आज देखने वाले हैं कि BLW में क्या क्या तैयारियाँ मतलब डेकोरेशन की गई हैं, क्योंकि 13 को PM आ रहे हैं ना नरेंद्र मोदी। और थोड़ी लाइट का भी एडजस्ट करिएगा, रोड पे हैं तो समझ ही सकते हैं, घर पे रहते तो लाइट बढ़िया रहती है। और इस टाइम टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो चुका है 8:30, मतलब हम लोग रात में निकले हैं। निकलने का मतलब एक ही है कि मतलब लाइटिंग थोड़ी अच्छे से जलेगी दिखेगी तो अच्छा रहेगा ना। और ये देख सकते हैं रोड है, और बस चलते हैं और जाएंगे हम लोग स्कूटी से, या छोटी है मतलब कि, और ये चलाएगी स्कूटी आज। इसको नई नई स्कूटी चलानी सीखी है, तो इसका थोड़ा इसको थोड़ा टेस्ट ड्राइव भी हम लोग दे देंगे, क्योंकि BLW का रोड खाली रहता है और अपना वीडियो बन जाएगा, मतलब कि एक तीर से दो निशाना। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से पहुँचते हैं क्योंकि ठंडी है। चलो जल्दी। हम लोग निकल चुके हैं रोडों पे, और मतलब कि BLW का रोड है, और इसमें BLW में तो ठंडी बहुत ही रहती है, क्योंकि इतने सारे मतलब कि नेचर ग्रीनरी है यहाँ पे, पेड़ वोड़ है ना, इस वजह से और यहाँ पे अंदर ठंडी लगती है। सिटी में थोड़ी कम ठंडी लगती है, BLW में घुसते आपको थोड़ी ठंडी बढ़ जाती है। और एकदम मस्त वाली हम लोग आज लाइटिंग देखने वाले हैं। बस धीरे चलाओ भाई, धीरे चलाओ, ठंडी बहुत तेज है। और सो गाइस ये देख सकते हैं, ये BLW ग्राउंड है, और उसके जस्ट सामने वाले रोड पे देख सकते हैं एकदम तिरंगा के कलर का झाला लगाया गया, ऑरेंज वाइट ग्रीन, जैसे आप कल वाले ब्लॉग में अगर मेरे देखे होंगे बनारस रेलवे स्टेशन पे, ठीक वैसा ही है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है पूरा एकदम लाइन से देख सकते हैं। तो सो गाइस जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं फर्स्ट जगह पे BLW में, जहाँ की मतलब लाइटिंग की गई है, डेकोरेशन की गई है। तो पहला चीज़ ये है, देख सकते हैं भारतीय रेल का गोल्डन लोकोमोटिव है, जो कि मतलब आने वाले कलर में इसको भी सजाया गया है, वही ऑरेंज वाइट और ग्रीन। तो चलिए गाइस यहाँ का कुछ आपको दिखाते हैं सिनेमैटिक शॉट्स, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आप लोग ने देखा ग्रे का कुंदन जो लोकोमोटिव उसका शॉट्स, और हम लोग को अप्रॉक्स यहाँ पे 20 मिनट लग गए, आप लोग समझ ही रहे होंगे, फ़ोटो क्लिक कराने के चक्कर में यहाँ क्लिक कर दो वहाँ क्लिक कर दो, और ये थी तो इसके चक्कर में तो और भी फ़ोटो क्लिक करवाना हो गया। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी आगे, अभी आगे एक जगह और है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आगे वाला जगह मिस हो जाएगा। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है BLW गेट जाने वाला रोड, सीधे यहाँ से आप BLW गेट पर पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद से पूरे वाराणसी सिटी में आप निकल जाएंगे, इधर देख सकते हैं, और इधर भी देख सकते हैं। और इस टाइम टाइम हो गया है रात के 9 बज चुके हैं, ये देख सकते हैं सामने जो झालर लगी है ना उस पे, जो बाउंड्री है वो है सेंट जॉन्स स्कूल, तो उस पे भी झालर लगाया गया है, अच्छा लग रहा है देखने में वो भी। एकदम बहुत ही खूबसूरत वाले नज़ारे आ रहे हैं इस टाइम BLW के सड़कों पे चलने में। चलिए या फिर स्कूटी चलाइए या फिर ड्राइविंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मज़े आएंगे। और सामने देख सकते हैं ये BLW गेट, बस पहुँच चुके हैं, तो आप वहाँ का शॉट्स आप लोग दिखाते हैं। और उससे ही देख सकते हैं इस पर भी डेकोरेशन किया गया है थोड़ा बहुत झालर से। तो सो गाइस फाइनली हम लोग वो वाले जगह पहुँच चुके हैं जिसको हम लोग को इंतज़ार था, और जिसको हम लोग को देखने का इंतज़ार था, और आप लोग को भी इंतज़ार था हमें पता है। तो ये है, ये पीछे देख सकते हैं BLW गेट, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मतलब लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं समझ में आ रही होगी, हम आप लोग को दिखाएंगे बैक कैमरे से, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। और यहाँ पे भी वही झालर मतलब तिरंगे वाले कलर का लगाया गया है, और जो यहाँ पे जो ये लोकोमोटिव का फ्रेम जो देख रहे हैं ना, इसमें मतलब कि
रेड ग्रीन ब्लू मतलब लाइटिंग मतलब जलाई गई है उस फ्रेम में ना, तो वो काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। और उधर उस साइड में थोड़े बहुत झालर हैं बस, और कुछ नहीं। और लोग इस टाइम बहुत ही कम हैं, अब रात के 9 बजने वाले हैं, 6 बजे आए रहते तब भीड़ देखने को मिलती, बट कोई नहीं। तो चलिए आप लोग को कुछ दिखाते हैं बैक कैमरे से, फिर उसके बाद। और यहाँ इस टाइम भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग की गई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं बनारस में इंजन कारखाना। तो गाइस सब चलते हैं घर, क्योंकि रात के बज चुके हैं, कितने बज गए भाई देख सकते हैं 24:57। तो तब तक के लिए बाय और टेक केयर।